दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल हमारी राइड है, तो आज अब हम जा रहे हैं सर्विसिंग करने, क्योंकि सर्विसिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है एक राइड से पहले। तो पहले वहाँ पे जाते, मैं अपनी सर्विसिंग करने वाले लोकल मैकेनिक से, मैं सर्विस सेंटर नहीं जा रहा हूँ। सर्विस सेंटर में बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, तो इसी के बारे में मैं बात भी करने वाला हूँ। पहले सर्विसिंग करते हैं और उसके बाद बात करेंगे जो भी फ्रॉड्स होते हैं सर्विस सेंटर में उसके बारे में। चलो, गाड़ी धोने के लिए यहाँ पे, और हमारे गाड़ी जो धोने वाले हैं वो है ये अरविंद भाई। अरविंद धोने वाले ये गाड़ी धोने के बाद फिर करवाएंगे सर्विसिंग। अभी तो बस गाड़ी वॉश हो चुकी है, डीजल वॉश होना बाकी है। ये आप देखोगे, ये जो मैंने लगवाया है वो है चूहों के लिए लगवाया था, क्योंकि चूहे वो सब कुछ काट लेते हैं। पूरे वायर को मैंने ऐसा करके सील कर दिया है, इसलिए चूहे प्रॉब्लम नहीं देते। फिर नहीं करा दिए हमारे भाई ने, सही है। अभी जाएंगे और सर्विसिंग करवाएंगे गाड़ी की। इधर एयर फिल्टर निकाला जा रहा है, ये हमारे सुनील भाई, जरा एकड़ा बगाना। हम लोग क्या क्या करने वाले हैं सर्विसिंग में आगे का, पीछे का चक्का, कार्बोरेटर, फिल्टर, क्लच, केबल, सब ऑयलिंग सब होगा, हम दिखाएंगे। सो बारिश की वजह से वी हैव जस्ट चेंज आवर लोकेशन। हम अभी शेड के नीचे बाइक को लाए और यहाँ पे हम चालू है। अभी जो कर रहे हैं वो ब्रेक ऑयल चेंज कर रहे हैं, तो ये ब्रेक ऑयल यूज कर रहे हैं हम, KBX.3। तो अभी इंजन ऑयल निकाला जा रहा है। और ये देखो इंजन ऑयल पूरा काला। तो अभी ऑयल फिल्टर निकला जा रहा है। काला है ना, चेंज किया। तो अभी ये ऑयल फिल्टर अपन यूज कर रहे हैं,
पहला वाला खराब हो गया है ये ना। टाइम ये वाला मोटुल का इंजन ऑयल यूज़ कर रहा हूँ 20W50। लास्ट टाइम 20W40 यूज़ किया था, वो तो मिनरल ऑयल था, ये सेमी सिंथेटिक ऑयल है। देखते हैं अभी, आई होप इसका परफॉर्मेंस अच्छा हो। तो अभी हम अपना इंजन ऑयल डाल रहे हैं। तो यहाँ पे ब्रेक पैड चेक कर रहे हैं। तो ये स्पार्क प्लग जो काला पड़ा है तो साफ कर दो। तो ये हमारे नाम क्या? राजू आए। सर्विसिंग बाइक लुक लाइक दिस। तो चलो अभी डायरेक्ट मिलते हैं घर पे। तो अभी भी हम लोग सर्विसिंग करके आ गए और अभी बाइक जो है एकदम मस्त चल रही है, एकदम फैंटास्टिक। तो बात करते हैं फ्रॉड्स की, कौन कौन से फ्रॉड सर्विस सेंटर वाले करते हैं ऑब्वियसली, और वो फ्रॉड क्यों करते हैं। अगर आपकी बाइक नहीं हो तो 5 सर्विसेज अपनी फ्री रहती है, तो लेबर चार्ज बचाने के लिए सर्विस सेंटर वाले थोड़ा बहुत फ्रॉड कर देते हैं। एज ऑफ माई एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा वो मेन जो फ्रॉड है हर एक बाइक में करते हैं। और मैं जब दोस्तों से जब बात करता हूँ तब उन्हीं से भी कुछ बातें यहाँ पता चली कि फ्रॉड्स हर एक में एक चीज़ कॉमन होती है, वो है ऑयल, इंजन ऑयल का इंजन ऑयल फ्रॉड। तो मैंने कुछ जुगाड़ किया है उसके बारे में कि इस फ्रॉड से कैसे बचे। तो अगर आपको ट्राई करना तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने अभी तक 3 सर्विसेज की है, तो 3 सर्विसेज में पहले 2 सर्विसेज में मुझे कुछ पता नहीं चला था, और सर्विसिंग के बाद बाइक जैसे चलनी चाहिए वैसे चल नहीं रही थी। तो मैंने 3rd सर्विसिंग में एक जुगाड़ किया। वो क्या किया, मैं सर्विस सेंटर में गया और उनसे बोला मुझे बस जो भी फ्री सर्विसेज है वो मुझे दे दो और मुझे इंजन ऑयल नहीं चेंज करने गए। तो उस टाइम पे वो बोला कि इंजन ऑयल कैसे नहीं चेंज कर सकते, वो तो मैं बोला कि नहीं मुझे अभी इंजन ऑयल नहीं चेंज करने है, मुझे बस जो भी सर्विस है फ्री वो करवा के दे दो। तो उन्होंने फिर मैं वहाँ पे ही खड़ा था कि देख रहा था क्या क्या कर रहे हो। तो वहाँ पे मैंने देखा कि उन लोगों ने तो पहला ब्रेक्स चेक करते हैं, बाद में अपना जो चेन रहता है वो चेक करते हैं, एयर फिल्टर साफ करते हैं, और गाड़ी वॉश भी करा के देते हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे मेरी गाड़ी मेरे पास दी और बहुत कुछ चेंज किया, मुझे इतना कुछ समझा नहीं, ब्रेक पैड्स भी देखे या नहीं वो भी पता नहीं, स्पार्क प्लग भी उन्होंने देखा नहीं, वो भी अभी देखा। उनको एक बार बोला कि स्पार्क प्लग का क्या है, बोले कि नहीं कुछ नहीं है, तो स्पार्क प्लग भी वो नहीं देखते, ये बात देखो। तो उसके बाद तो मैंने वो बाइक लेके फिर मैं गया लोकल मैकेनिक के पास, उनको बोला कि इंजन ऑयल चेंज करने का है। और हाँ, वो सब जो फ्री सर्विस है उस सर्विस में वो 50 रुपये सर्विस चार्ज लगाते हैं, तो अपना जो पूरा बाइक जो है 50 रुपये में पूरा रेडी हो जाता है, बस हमें चेंज करना है इंजन ऑयल। तो मैं गया मैकेनिक के पास, अपने लोकल मैकेनिक के पास जाओ और अच्छा सा इंजन ऑयल यूज़ करो। जैसे मैं यूज़ करता हूँ मोटुल का 10W40 या 20W50, और इस टाइम मैं यूज़ कर रहा हूँ 20W50 यूज़ कर रहा हूँ मैं। एक्चुअली मेरी बाइक को रिकमेंडेड 10W40, बट वो अवेलेबल ही नहीं था, तो मैंने मोटुल का देखा
दो तीन जगह पे भी देखा मैं, पर मुझे 10W40 मोटुल का मिला नहीं, इसलिए मैंने 20W50 डाला। अब बट मुझे परफॉर्मेंस उसका अच्छा लग रहा है, मैं अभी 1-2 किलोमीटर घूम के भी आया, अच्छा लग रहा है। देखते हैं आगे, मेरे राइड पे कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं आपको आगे शेयर जरूर करूँगा। तो जाओ ओके। तो फिर वो सर्विस करने के बाद 50 रुपये देने के बाद, 50 रुपये में आपकी पूरी सर्विसिंग होने के बाद, आप जाओ मैकेनिक के पास, वहाँ पे आप इंजन ऑयल चेंज करा लो, उसके साथ ऑयल फिल्टर भी चेंज करना जरूरी है। ऑयल फिल्टर समथिंग 70 रुपीज में मिल जाता है। इंजन ऑयल चेंज करने के बाद आपको बस मैकेनिक को 20-30 रुपीज में देना पड़ता है। तो आपका ओवरऑल जो खर्चा होता है जो सर्विसिंग का, वो 70-80 रुपीज होता है। और आप जो इंजन ऑयल डालवाते हो, मिनरल ऑयल डालते हो मोटुल के, तो 350 में आपका हो जाता है। फुली सिंथेटिक डालते हो तो आपको 600-700 रुपये देना पड़ेगा इंजन ऑयल का ही खर्चा। और मैंने अभी डाला वो सेमी सिंथेटिक डाला है, अभी आपने कहा वो कुछ 480 रुपीज़ का है। तो आपको, तो आपके दिल को तसल्ली होगी कि अपनी बाइक जो है सर्विसिंग अच्छी से हो चुकी है, इंजन ऑयल भी अपने हमने जो डाला है वही डलवाया गया है। तो इस तरह से आप अपनी सर्विसिंग खुद करवा सकते हैं बस 50 रुपये में। और मोस्ट ऑफ मैंने बहुत सारे जन को देखा कि वो 3 सर्विसिंग कराते हैं सर्विस सेंटर में, और बाहर फिर लोकल मैकेनिक से करवाते हो। मैं ये सजेशन देना चाहूँगा कि पाँचों की सर्विसेज इस तरह से ही करो, क्योंकि जब मैंने ये सर्विसिंग किया तो मेरी बाइक अच्छी से चलने लगी, और मुझे भी अच्छा लगा कि भाई मेरा इंजन ऑयल मैंने मेरे आंखों के सामने अच्छा सा डाला है। क्योंकि सर्विस सेंटर में वो लोग जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ पे आने नहीं देते वो लोग। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा इंजन ऑयल ग्रेड के बारे में। इंजन ऑयल जो रहते हैं वो उसके जो ग्रेड से बहुत अलग अलग टाइप रहते हैं, हर इंजन का अपना एक ग्रेड रहता है, उसी ग्रेड के हिसाब से उसको इंजन ऑयल डालवाना पड़ता है। लाइक 10W50 रहता है, 10W40, 15W20। अभी ये 10W20 ये होता क्या, 10W20, 10W40, तो W का मीनिंग है विंटर, और विंटर में अगर 10W40 है तो विंटर में मतलब कोल्ड टेम्परेचर में इंजन का जो ऑयल है उसका थिकनेस रहेगा 10, और गर्मी में जब बहुत हीट होता है बहुत गाड़ी चलने के बाद, तो उसका जो ऑयल का थिकनेस है 40 तक हो जाता है। तो हर एक इंजन का अपना एक ग्रेड रहता है, उसके हिसाब से उसे इंजन ऑयल देना पड़ता है। तो पहले अपने बाइक का, अपनी जो बाइक है उसका मैनुअल चेक करो कौन सा ग्रेड चाहिए, उस हिसाब से उसको। मोस्ट ऑफ पब्लिक को ये नहीं पता रहता कि ये ग्रेड होता क्या है, वो कौन सा भी डायरेक्ट इंजन, हाँ इंजन मोटुल का डाल देते, पर ग्रेड आर इम्पोर्टेंट। एक्चुअली मेरा भी 10W40 पर मैं डाल रहा हूँ 20W50 अभी, ये क्यों? तो मैं जस्ट थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ कि क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो देखते हैं, अगर कुछ हुआ तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे भी मोटुल के सारे इंजन ऑयल जो है मस्त है। तो दैट्स इट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको अगर ये सजेशन मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और इस चैनल को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।